17 अप्रैल को हुए लोहरदगा में भीषण सड़क हादसे को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि हादसे को लेकर लोहरदगा आज पूरी तरीके से बंद है और बंद का असर भी देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि बीते कल एक अनियंत्रित डीजे लदा पिकअप वैन हादसे का शिकार हो गया था और इस दौरान करीब 3 दर्जन से ज़्यादा लोग पिकअप वैन के चपेट में आ गए थे, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे, साथ ही 2 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि खुद मौके पर डीएम और एसपी पहुंचे थे और इस पूरे मामले की जांच उन्होंने की थी। वहीं आपको ये जानकारी देते हैं कि इस हादसे को लेकर लोहरदगा आज पूरी तरीके से बंद है और बंदी का असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। दुकानें भी आज पूरी तरीके से बंद हैं। और इस पूरे खबर पर लोहरदगा से हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। प्रीतम, देखिए कल बहुत बड़ा हादसा हुआ था जहां शोभा यात्रा के दौरान एक डीजे गाड़ी की चपेट में कुछ लोग आ गए थे, बड़ा हादसा हुआ है। क्या कुछ तस्वीरें हैं ये भी जानकारी मिल रही है कि लोहरदगा आज पूरी तरह से बंद है? हाँ जी, मैं बता दूं कि कल रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान एक डीजे अनियंत्रित डीजे गाड़ी की चपेट में आने से लगभग 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 2 लोगों की इस घटना में मौत हो गई, जिसके बाद आज जो है चेंबर ऑफ कॉमर्स और केंद्रीय महावीर मंडल के द्वारा लोहरदगा बंद बुलाया गया है और दुकानें आज बंद हैं। इस घटना के बाद आज वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और भाजपा के प्रत्याशी समीर उरांव भी सदर अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना है। जी, और अभी माहौल की अगर बात करें लोहरदगा के माहौल की, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है प्रीतम? देखिए माहौल इस वक्त गमगीन है लोहरदगा में, इसलिए लोग दुकानें स्वतः जो है बंद रखी हैं। इसके अलावा जो गंभीर रूप से घायल लोग थे उनको रिम्स रेफर किया गया है, कुछ लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम। बंदी का आह्वान नहीं है बल्कि निवेदन है कि व्यापारी इसको स्वतः स्फूर्त श्रद्धांजलि स्वरूप समर्थन करके दुकान को बंद करें, क्योंकि कल जो रामनवमी में घटना घटी है, जो डीजे वैन अनियंत्रित होकर के 25 से 30 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें से 2 लोग की डेथ हो गई है, 6 से 7 लोग बहुत ही गंभीर अवस्था में है, आज भी 3-4 लोग रांची रेफर होने की स्थिति में है, सारा लोग का सिटी स्कैन हो रहा है। तो हम लोगों ने बस एक समाज में एकता यूनिटी को दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग समाज के साथ में, हम लोग सनातन समाज के साथ में है, मृतक के परिवार के साथ में, घायलों के परिवार के साथ में है, इसलिए मैंने एक आह्वान के जगह में आग्रह किया था कि लोहरदगा के व्यापारी कम से कम पहली बेला अपने दुकानों को बंद रखें। और मुझे बहुत ही मतलब ये लगा, अच्छा लगा कि व्यापारी साथ में है और 90% व्यापारी स्वतः स्फूर्त दुकान को बंद रखे हुए हैं, श्रद्धांजलि दिए हुए हैं। एक डीजे के वाहन के चलते कुछ दुर्घटना हुई और जिसके चलते एक कैजुअल्टी और कुछ अभी यहाँ पे 7 से 8 लोग जख्मी हैं और कुछ लोगों को जिनको थोड़ी सीरियस चोटें थी उन लोगों को हम लोगों ने रांची रेफ़र किया है और उनके इलाज पे भी हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए और यहाँ सदर अस्पताल में भी उनको समुचित व्यवस्था और इलाज मिले इसका हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं। डीजे के चलते कुछ लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, कई लोग उसमें घायल हैं, कुछ लोगों को रांची रिम्स भी रेफ़र किया गया है। जिस गाड़ी से वो घटना की गई है और जो व्यक्ति उसको चला रहा था डीजे की गाड़ी, दोनों को ही पकड़ा गया है। हम लोग विधिवत इसमें कार्रवाई करेंगे, अभी शांति व्यवस्था बनी हुई है।